हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, इन एग्ज़ाम में आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप जल्दी से किस तरह से आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को निकल सकते हैं गूगल से। जैसे कि मैं आप जानते हैं कि आप जब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसा है ऐसा ही गूगल पर सर्च करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ कि आपको ये सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, यानी इसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करते ही आपका जो आंसर है वो जल्द ही निकल आ जाएगा। वो कैसे चले उसके लिए आपको एक ऐप्स की ज़रूरत होगा, वो गूगल लेंस, या आप देख रहे हैं गूगल लेंस है। इस पर आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल लेंस को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर है तो बहुत अच्छे, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट से निकलना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए कि इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमें इसका आंसर निकलना है, तो सिंपल सा हम यहाँ पर एक क्या करना है, इसको फोटो कर लेना है, इसको स्किप कर लेना। चलिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो चाहे वो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो आंसर है यह हम यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर उसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअली आंसर क्या है। यहाँ पर आप देख रहे कि यहाँ पर जो हमें डेट चांस निकलना है, यहाँ पर देख रहे कि 1906 जो यहाँ पर उसका हमें जो इसका ईयर निकलना है यहाँ पर निकल आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको चाहे तो यहाँ पर दो नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर निकल सकता है। चले यहाँ पर मैं दो नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यह आप देख रखे फेनोटोमी, यहाँ पर फेनोटाइप्स, यहाँ पर वो निकल आ चुका है। यानी आप इस तरह से आप किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से निकल सकते हैं, जो आपको गूगल पर सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये गूगल दे चुका है, यानी आप पीडीएफ से अपने क्वेश्चन को आपने डाउनलोड किया। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले मैं इसको एक फोटो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इसको आपको किस तरह से अगर आप पीडीएफ से आपने क्वेश्चन को से आपने डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पर सिंपल से इसको फोटो क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैं ये फोटो ले चुका हूँ जो मैं पीडीएफ से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा क्या करना है, इस फोटो वाले ऑप्शन पर हमें सिंपल सा कर लेना है क्लिक। जब आप अपने गैलरी से इस क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को आप निकालेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं गैलरी पर आ चुका हूँ। आने के बाद उस क्वेश्चन आंसर को मैं यहाँ पर निकल आ चुका है। निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो आंसर है वो हमें निकलना है। तो किस तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये आप देख रहे हैं गूगल लेंस का एक ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पर सिंपल सा हम क्लिक, जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से आप वो सिलेक्ट करके आप आंसर को निकल सकते हैं। तो इस तरह से गूगल लेंस के मदद से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से निकल सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में बहुत ही आसानी होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूले, ताकि वो भी अपने एग्जाम को सही तरीके से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।